को पॉलीबैग से हम दोस्तों धीरे धीरे अलग कर लेंगे। ऐसे ही रूट बॉल आपको बिल्कुल पन्नी को रिलीज करना है जितनी मिट्टी मैंने भरी हुई है, और इसमें देखिए मैंने आधे से ज्यादा मिट्टी यहाँ भरी हुई है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आम की एक बौनी प्रजाति का प्लांटेशन गमले में करके दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो लोग गमले में आम का पौधा उगाना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आम के पौधे को गमले में लगा के दिखाऊंगा, वो भी कलकत्ता की स्टाइल में। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हूं जयप्रकाश और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जय होम गार्डनिंग। दोस्तों आज के इस वीडियो में आम के पौधे को गमले में लगाने की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, साथ में लगा के भी दिखाऊंगा। चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि गार्डनिंग संबंधी मैं जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिल सके। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो करता हूं स्टार्ट। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आम की ये जो वैरायटी आपको दिखा रहा हूं उसका प्लांटेशन करके दिखाऊंगा। और दोस्तों ये वैरायटी आप देख रहे हैं ये बहुत ही खास है, भारतवर्ष की ये सबसे बौनी प्रजाति का आम का पौधा है। इसे लखनऊ सीआईएसएच ने विकसित किया और इस वैरायटी का नाम है अरुणिका। लेट वैरायटी है, नियमित फलन देने वाली है और सबसे ड्रॉप वैरायटी है। ये भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने इसे विकसित किया और ये बहुत ही खास आम का पौधा है, और इसीलिए मैं इसका प्लांटेशन गमले में करके आपको दिखा रहा हूँ। और मैं तो यही कहूँगा कि सभी लोगों से कि इस वैरायटी का एक पौधा आप अपने टेरिस गार्डन में अपने खेतों में जरूर से जरूर लगाएं। और अब मैं इसको लगाने की सही विधि आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले भी मैंने आम के पौधे को लगाने के लिए कई विधियां बताई हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कई तरीकों से आम का पौधा गमले में लगाया जा सकता है। फिलहाल मैं जो आज आपको विधि बता रहा हूँ ये कलकत्ता टेक्निक से आप कह सकते हैं। कलकत्ता में ज़्यादातर फ्रूट प्लांट की गार्डनिंग ऐसे ही होती है, तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, कोई भी पार्ट स्किप ना करें वरना कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ये अरुणिका मैंगो का प्लांट, इसका प्लांटेशन गमले में करने वाला हूँ। और ये जो गमला दोस्तों आप देख रहे हैं ये 12 इंच का गमला है, और ये देख सकते हैं ये गमले का टूटा हुआ टुकड़ा, थोड़ा पास से दिखाएं, और इसमें ड्रेनेज होल कितना बढ़िया है, और इसी पर मैं ये रख दे रहा हूं। अब दोस्तों इसके लिए मिट्टी मैं कैसे ले रहा हूं ये सब आपको ध्यान से समझना होगा। ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं ये नॉर्मल मिट्टी है, यानी कि खेत की मिट्टी है और बहुत बढ़िया मिट्टी है, और इसमें कोई भी गोबर की खाद वर्मी कंपोस्ट नहीं मिली है, पेवर मिट्टी है। और दोस्तों ये जो प्लांट आप देख रहे हैं बहुत छोटा प्लांट है, इसकी जो उम्र है 8 या 9 महीने की है। अगर ये प्लांट 1.5 वर्ष या 2 वर्ष का होता तो इस मिट्टी में मैं गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ऐड करता। फिलहाल इसको मैं सादे तरीके से अभी लगाने जा रहा हूँ, और इस टेक्निक से आपका पौधा कभी भी नहीं मरेगा। और दोस्तों ये मिट्टी आप देख रहे हैं नॉर्मल मिट्टी है, और ये जो आप देख रहे हैं ये रिवर सेंड है बालू, और जिनकी मिट्टी बलुई है यानी कि उसमें ऑलरेडी बालू की मात्रा है तो उसमें ये सब भी मिलाने की जरूरत नहीं है। और मैंने इसमें करीब 250 से 300 ग्राम बालू ऐड किया हुआ है। अब दोस्तों इसमें मैं 2 फर्टिलाइजर ऐड करूंगा, आप दोस्तों देख लीजिए या पास से दिखाएं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कलकत्ता में ज्यादातर जो गार्डनिंग होती है वो नॉनवेज फर्टिलाइजर के साथ होती है, और आज मैं इस प्लांट को नॉनवेज फर्टिलाइजर के साथ लगा के आपको दिखाने वाला हूं। और इसमें मैं ऐड करूंगा 50 ग्राम के आसपास मैं अंदाजे से नाप लेता हूं, और ये है हॉर्न डस्ट, सींग की खाद इसे बोली जाती है दोस्तों, देख लीजिए 50 ग्राम हॉर्न डस्ट। पूरी तरीके से ये ऑर्गेनिक होता है लेकिन ये नॉनवेज फर्टिलाइजर की श्रेणी में आता है। अब दोस्तों मैं आपको दूसरा चीज दिखा रहा हूँ, जरा पास से दिखाइए। ये दोस्तों देखिए मैं ले रहा हूँ यहाँ से 10 ग्राम बोन डस्ट, ये बोन डस्ट है 10 ग्राम। 2 फर्टिलाइजर मैंने इसमें लिए, सींग की खाद और बोन डस्ट 10 ग्राम। और कलकत्ता में ज्यादातर फ्रूट प्लांट इसी पद्धति पर चलते हैं, तो मैं आपको कलकत्ता वाली स्टाइल में प्लांट लगाने की विधि आज बता रहा हूं, और ये बिल्कुल सक्सेस है। इससे पहले भी मैंने कई विधियां बताई हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस तरह से भी आम का पौधा लगाया जा सकता है। अब दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये साफ फंगिसाइड है, और अगर साफ फंगिसाइड जिनके पास नहीं है वो 1 चम्मच हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास साफ फंगिसाइड है, बहुत बढ़िया काम करता है ये, तो मैं इसमें थोड़ी सी मात्रा साफ फंगिसाइड की इसमें मिलाऊंगा, और इस मिक्सचर को बहुत अच्छी तरीके से मिलाऊंगा। दोस्तों इसमें मैं गोबर की खाद वर्मी कंपोस्ट कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ,
तीन से चार महीने के बाद मैं इसमें धीरे धीरे वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद देना शुरू करूंगा, क्योंकि अभी पौधा सेट होने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। जब नई नई पत्तियां निकलेंगी तब उसमें मैं कुछ फर्टिलाइजर ऐड करूंगा। तीन महीने बाद ही मैं इसमें सीवीज एक्सट्रैक्ट या बायोजाइम का प्रयोग करूंगा। फिलहाल मैंने इसमें जो है पौधे के लिए संपूर्ण भोजन दे दिया है, हॉर्न डस्ट और बोन डस्ट। और इसकी मिट्टी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन है, क्योंकि ये मैंने बाग से मिट्टी मंगाई हुई है। और ये देख सकते हैं मिट्टी बहुत भुरभुरी है और मिट्टी को अच्छी तरीके से आपको मिलाना है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये प्लांट है अरुणिका का, एक पॉली बैग में है। और पॉली बैग के पौधे जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहते हैं पॉली बैग में, इसलिए पॉली बैग में इनको लगाया जाता है। अब इनको पॉली बैग से हम दोस्तों धीरे धीरे अलग कर लेंगे। अब दोस्तों पॉली बैग को धीरे धीरे हटा लेंगे और रूट बॉल दोस्तों टूटने नहीं चाहिए। अगर रूट बॉल टूट गई, इसकी जड़ डैमेज हो गई, तो पौधा एक बार मैं कह सकता हूँ मर सकता है। इसलिए ऑनलाइन में जो पौधे आते हैं और उनकी रूट बॉल अक्सर टूट जाती है, तो इसी वजह से पौधे मरते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले लोकल नर्सरी से आप लोग पौधा बाई किया करें और सेकेंड ऑप्शन जो है ऑनलाइन का ही रखें। फिलहाल कोशिश करें कि पौधा जो है आपको लोकल नर्सरी से मिल जाए। मेरे को फिलहाल ये पौधा जो है मलिहाबाद लखनऊ से आसानी से ये मिल गया। आप देख सकते हैं मैं इसे रिलीज़ कर रहा हूँ, इस पॉलीथीन को काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें जड़ पकड़ी हुई है। दोस्तों आपने देखा कि पॉलीथीन को मैंने बहुत आसानी से निकाल लिया है और इसकी रूट बॉल देखिए पूरी तरीके से टाइट है, कहीं से भी ये लूज नहीं है। और दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे ये फर्टिलाइजर जो मैंने इसमें ऐड किया है मिट्टी के साथ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने गमले का टूटा हुआ टुकड़ा यहाँ पर रखा हुआ है और ये इसलिए रखा जाता है ताकि इसमें से सिर्फ पानी ही निकले, मिट्टी और फर्टिलाइजर ना निकले। तो दोस्तों आपको दिखा दूँ ये जो मैंने बनाया है मिश्रण, इसमें सिर्फ मिट्टी है, हॉर्न डस्ट है, बोन डस्ट है और फंगिसाइड है। दोस्तों आप देखेंगे कि कुछ समय बाद जब मैं गार्डन का ओवरव्यू शेयर करूंगा तो इस प्लांट को भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब हम दोस्तों इसमें मिट्टी भरेंगे, ये देख सकते हैं आप लोगों को दिखा रहा हूं आसानी से। और इसलिए बोलता हूं कि वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोग स्किप ना करें वरना कुछ भी समझ में नहीं आता। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस टाइप से इसमें मिट्टी भर लेनी है और आधे से ज्यादा मिट्टी आपको भर लेनी है, क्योंकि गमले में ऊपर तक मिट्टी नहीं भरेंगे क्योंकि हमें कुछ महीनों के बाद इसमें फर्टिलाइजर भी ऐड करना है। तो इस चीज को आपको समझना होगा, गमले में पूरा ऊपर तक जो है मिट्टी नहीं भरते। दोस्तों देख सकते हैं आप, और ये जो मैंने गमला लिया हुआ है ये मिट्टी का गमला है 12 इंच का, और प्लांट की हाइट आप देख सकते हैं 2.5 से 3 फुट का ये प्लांट है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये रूट बॉल मैंने कहीं से छेड़खानी नहीं की है और ऐसे ही रूट बॉल आपको बिल्कुल पन्नी को रिलीज करना है और ऐसे ही करके सेंटर में आपको लगाना है। और मिट्टी आप दिखाएं जरा कितनी मिट्टी मैंने भरी हुई है, और इसमें देखिए मैंने आधे से ज़्यादा मिट्टी यहाँ भरी हुई है। और बिल्कुल सेंटर में आप प्लांट लगाएं ताकि देखने में प्लांट खूबसूरत भी लगे। और इसमें जो है अब हम साइड से भरेंगे मिट्टी। आप देख सकते हैं दोस्तों लगाने का तरीका आप लोगों को बहुत ही आसानी से दिखा रहा हूं और समझा रहा हूं। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हम नॉनवेज फर्टिलाइजर के साथ प्लांट का प्लांटेशन नहीं करेंगे, तो कोई बात नहीं, नॉर्मल मिट्टी के साथ भी प्लांटेशन हो जाता है। साथ में 10 ग्राम रॉक फास्फेट जो कि ऑर्गेनिक होता है उसके साथ भी आप प्लांटेशन कर सकते हैं। रॉक फास्फेट जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बाई कर सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही आसानी से आपको दिखा रहा हूं। और ये जो मिट्टी है बाद में टाइट की जाएगी, क्योंकि ये जो प्लांट है ढीला नहीं रहना चाहिए, अगर ये ढीला रह गया तो भी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो प्लांट है ढीला नहीं रहना चाहिए, तो ऐसे करके साइड से ये मिट्टी को हम टाइट करके जाएंगे। देख लीजिए दोस्तों ये टाइट करते जाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने पौधे का प्लांटेशन कर दिया है। और दोस्तों इसमें एक गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, जब आप करें तो बिल्कुल टाइट कर दें, जितना ये टाइट रहेगा उतना ही बढ़िया है और पौधा जल्दी ग्रोथ दिखाएगा। और ये जो फार्मूला है टाइट करने वाला ये बहुत ही कारगर है। बहुत लोग ऐसे प्लांट का प्लांटेशन करके और उसमें पानी दे देते हैं, ये ठीक नहीं है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सटीक तरीका है, और ये नर्सरी वाले भी ऐसे ही प्लांटेशन करते हैं। दोस्तों देख लीजिए मैं आप लोगों को बहुत ही आसानी से दिखा रहा हूँ ये। अब दोस्तों इसमें हम
पानी देंगे और फुल वाटरिंग करेंगे, और फुल वाटरिंग ही करना चाहिए, और उसके बाद हम 4 से 5 दिन में पानी देते रहेंगे, क्योंकि अभी बरसात बंद है और जब लगातार बारिश होती है तो पानी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन नया पौधा है और इसको 15 दिन छांव में रखने के बाद ही मैं इसे धूप में निकालूंगा। तो पानी देने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। दोस्तों आपने देखा कि इस अरुणिका मैंगो का प्लांटेशन मैंने बहुत आसानी से आप लोगों को करके दिखा दिया मिट्टी के पॉट में, और मिट्टी के पॉट में ही मैं पौधे आम के लगाने का सजेशन देता हूँ, क्योंकि जो तापमान होता है शहरों में बहुत अधिक होता है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में, और ये जो मिट्टी के गमले होते हैं गर्मी में बहुत कारगर हैं। तो दोस्तों अब बिना देरी करते हुए इसको देंगे पानी और फुल वाटरिंग करेंगे। दोस्तों आप लोगों को वाटरिंग करके मैं दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए, और फुल वाटरिंग करनी है, और करीब इसमें 3 से 4 लीटर पानी लगेगा, और धीरे धीरे पानी सोखता जाएगा और मैं पानी देता जाऊंगा। उसके बाद 4 या 5 दिन के बाद ही इसमें मैं वाटरिंग करूंगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने अरुणिका मैंगो का प्लांटेशन गमले में करके आप लोगों को दिखाया और सही सही जानकारी आप लोगों को दी। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप सभी दोस्तों को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और भी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं नए टॉपिक से नए वीडियो में। सभी दोस्तों का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।